अब आपको लेकर चलते हैं मनीष पॉल के पास, जिनके घर इस साल भी आए हैं गणपति बाप्पा। आज मनीष से जानते हैं वो अपने गणपति बाप्पा के लिए क्या क्या करते हैं। ये मेरा 6th ईयर है जब बाप्पा घर आए हैं, और मुझे याद है मैंने शुरुआत की थी तो मुझे किसी ने कहा था कि जब मानना होता है तो ऐसा होता है कि मिनिमम 3 ईयर्स, तो वो 3 साल पूरे होने के बाद मुझे इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मैं जब तक हो सके मैं लाना चाहता हूँ। तो मैंने अब वो कर दिया इनफाइनाइट, जब तक मैं चाहूँ लाना मैं ला पाऊँ। हम लोग कल रात 3 बजे तक सजावटें कर रहे थे, और मैं कहीं गया हुआ था, मैं वहाँ से थोड़ा लेट आया एंड आई थिंक वी स्टार्टेड एट अराउंड 8 o'clock, और 8 बजे के बाद से रात 3 बजे तक यही चल रहा था। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है दिल्ली से, तो वो हमेशा गणपति पे सब लोग यहाँ होते हैं। सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा त्यौहार हो गया है। हमने स्टार्ट बड़ा नॉर्मल सा किया था, बट अब वो बढ़ता जा रहा है और जितने लोग आते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो अच्छा लगता है, आई थिंक ये इनकी पावर है यार, ये जितने लोग चाहते हैं ये उतने लोग खींचते हैं, और जितने साल ये खुद आना चाहते हैं ये अपने आप आते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये इनके हाथ में है। 1.5 दिन इनफैक्ट मेरे ये स्केड्यूल होता है, यही वो जगह है, यहीं पर मैं बैठा रहता हूँ, मैं रात में सोता भी यहीं हूँ और बिल्कुल बप्पा के पास ही होता हूँ, और सारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं सब यहीं पे होते हैं। तो ये 2 दिन है जब मैं बिल्कुल भी शूटिंग नहीं करता। मैं इनफैक्ट बहुत से दोस्त हैं नाराज़ होते हैं बिकॉज मैं किसी के भी गणपति पे जो जिनके भी 1.5 दिन के होते हैं मैं वहाँ विजिट नहीं कर पाता, मैं उसके बाद जाता हूँ। सो 1.5 दिन मैं बिल्कुल यहीं पर होता हूँ, मैं और कहीं नहीं जाता। हमारे यहाँ प्रसाद जो है ना वो थोड़ा दिल्ली वाला हो जाता है, बिकॉज मेरी मम्मी आती हैं और वो बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं, तो जनरली मेरी पहली रिक्वेस्ट ही होती है कि मम्मी हलवा बनवा दो। तो वो मम्मी जो हलवा बनाती हैं वो सुबह वैसे मैं चट कर चुका हूँ ऑलरेडी, हमने सबने ख़त्म कर दिया और अभी 2nd round उसका होगा बिकॉज सारे दोस्त शाम में आने वाले हैं, तो वो एक चलता है यहाँ पे ज़्यादा। ये सबसे बड़ी दुआ होती है मेरी कि चाहे सक्सेस जितनी भी आए लेकिन पैर ज़मीन पे टिके रहें, और अभी तक तो टिके हैं और आगे भी यही चाहूँगा बिल्कुल टिके रहें। गणपति बप्पा मोरया।